हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिससे कि नदियों का पानी सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर इसके बाद मंजर कैसा है। हिमाचल में बारिश का विस्फोट, कुल्लू में फटा बादल, बम मंडी में तबाही, लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राही बम। आसमानी तबाही पहाड़ पर फिरा, बादलों की दहाड़ मुसीबत में पहाड़, कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशाल काय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये विश्व रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ले लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी, वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आई बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें।
और हिमाचल की ही तरह उत्तराखंड में बारिश ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है। केदारनाथ के रास्ते में भीमबली से भारी मलबा और बोल्डर गिरे हैं। इसकी वजह से पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। 200 यात्रियों को भीमबली में सुरक्षित रोक लिया गया है, जिन्हें अलग अलग रास्ते बनाकर निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर से भी फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही गौरीकुंड में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मंदिर खाली करवा दिया गया है। सभी को सुरक्षित स्थान ले जाया गया। घटना के बाद SDRF, NDRF और पुलिस को मौके पर तैनात किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में ये आफत की बरसात और बादल फाड़ तबाही की भयावह तस्वीर है। बारिश की वजह से उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं और पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। इसी त्रासदी की एक तस्वीर नैनीताल से आई, जहां एक कार पानी में बह गई। इसमें सवार लोग वक्त पर कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। बादल फटा, अब तक 10 की मौत। उत्तराखंड में अचानक हुई भयानक बारिश की वजह से कहीं पुल बह गए, कहीं सड़कें धस गईं, कहीं घर और दुकान के साथ लोग भी बह गए और कहीं पुल ही बह गए। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही, नदी नाले खतरनाक रूप में और टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ मार्ग में भीमबली के पास करीब 150 से 200 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश वाला कर्फ्यू। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से कर्फ्यू जैसी स्थिति। राज्य में तीर्थयात्रा पर आए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के पास मंदाकिनी नदी खतरनाक रूप में है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। जानमाल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है और आपदा में राहत बचाव के लिए NDRF और SDRF की टीमें काम कर रही हैं। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर प्रचंड बारिश ने सारे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। अचानक इतनी बारिश हुई कि न तो VVIP इलाके बचे और न ही दूसरी बस्तियां। पानी में डूबी राजधानी तब और डराने लगी जब एक बेसमेंट में डूबकर 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर की सड़कें डूबी हैं। जयपुर में घर डूबे हैं। जयपुर में शॉपिंग सेंटर डूबे हैं। जयपुर में मंत्रियों के बंगले डूबे हैं। जयपुर से गुजरने वाले हाईवे डूबे हैं। ये कोई दरिया नहीं, बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कें हैं। कहीं घुटनों तक पानी है, कहीं कमर तक पानी है, कहीं गर्दन तक। जमीन के लेवल के हिसाब से पानी ने अपना लेवल तय कर लिया है और सिस्टम का लेवल इसी लेवल के साथ डूब गया है। अचानक शहर में ऐसी बारिश हुई कि देखते ही देखते सड़कों की सूरत बदल गई। ये सीकर रोड की तस्वीर है, जहां सड़क पर उमड़े सैलाब ने व्यवस्थाओं को फेल कर दिया। कहां से आए हैं? बीकानेर गंगानगर से। तो क्या हुआ? बस बंद हो गई। बंद हो गई। तो मुश्किल आ रही होगी क्या? आप बताएं कितनी देर हो गई यहाँ? 4 बजे। 4 बजे से? थैली ले जाओ। 4 बजे से ही रुके? 4 बजे से फंसे पड़े हैं, बसें बंद हो गई है, पानी पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे, ना तो कोई पानी निकलने की जगह है ना कुछ है। गवर्नमेंट क्या कर रही है पता नहीं। आप देखिए कि ये स्थिति, आप देखिए कि यहाँ बसें कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन
तकरीबन 8 से 10 बसें यहाँ पर पानी के अंदर फंसी हुई। 5 गाड़ी आगे निकाल गए हैं, 5 अभी निकाल गए हैं। 5 गाड़ी पहले टॉर्चर करके निकाल दिया और कम से कम 6-7 गाड़ियां अभी और खड़ी है। और अब सिविल लाइन्स इलाके की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां वीवीआईपी इमारतों की दीवारों को लांघकर पानी घरों की तरफ कूच कर गया है। तस्वीरें ऐसी नजर आ रही हैं जैसे सैलाब के बीच इन घरों को बनाया गया है। इस दौरान विश्वकर्मा इलाके से आई खबर ने हर किसी को दहशत में ला दिया, क्योंकि दिल्ली की ही तरह यहाँ भी बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। हुआ कैसे सर? इसमें ये बेसमेंट में मकान है और बारिश होने से पानी गली का सारा अंदर भर गया और उससे फिर ये घटना हुई। पीड़ित परिवार बिहार और झारखंड से ताल्लुक रखते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। कम किराए की वजह से इन लोगों ने 2 फ्लोर के मकान के बेसमेंट में अपने रहने का ठिकाना बनाया था, लेकिन यही बेसमेंट इनके अपनों के लिए कब्रगाह साबित हो गया। मेरा पति उसी में डूब गया है, निकल नहीं पाए। 4 बजे का डूबा हुआ है, निकला इसका पति, ये मेरी भाभी है। मेरा में पानी भर गया। पानी आया कहाँ से? पानी पीछे से आया, पीछे से मकान उधर है, उसको बोलता है बनाने के लिए तो बनवाता नहीं है ना, बेचता है, उसी का पानी आया। नाला के वजह से ये पानी पीछे मकानों में घुसा, घुसने के बाद इनके मकान में वो दीवार तोड़ के और फिर इस मकान में घुसा। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कई घंटों तक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम का ये बदला हुआ रूप किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। और अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये तो सीधे डाका है। एक ऐसा वीडियो कुछ लोगों ने बनाया जिसमें मरीजों के खाने पर डाका डाला जा रहा है और इल्जाम लगाया है सिविल सर्जन पर। देखिए, डॉगी पर दुलार, मरीज लाचार। मरीजों के हक पर डाका है ये तस्वीर। साहब की मेहरबानी देखिए, मरीजों को उनके हक की रोटी और दूध मिले ना मिले, लेकिन उनके प्यारे डॉगी की खुराक में कमी नहीं होनी चाहिए। तो सीधे मरीज की थाली से ही छीन लिया है निवाला। सरकारी खाने पर साहब का डॉगी मौज कर रहा है। विदिशा के जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर शशर रघुवंशी, भ्रष्टाचार में आकूट डूबे हुए हैं और हद देखिए कि इनके जो बंगले पर कुत्ता पाला हुआ डॉक्टर शशर रघुवंशी ने, उस कुत्ते के लिए जो मरीजों का दूध मिलता है, मरीजों के लिए दूध दिया जाता है, रोटी दी जाती है, वो दूध और रोटी अपने कुत्ते को मिलाते हैं। आज हमने रंगे हाथ, हम विगत 3 दिन से इस चक्कर में इसमें लगे हुए थे कि हम डायरेक्ट इनका वीडियो बना रहे थे। 2 लड़के जो मेस में काम करते हैं उनसे सिविल सर्जन 4 लीटर दूध और 25 रोटी बुलवाता है। डॉगी पर ये मेहरबानी मरीजों की परेशानी बन रही है, तो कुछ लोगों ने सीधे डॉक्टर साहब के घर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, या यूं कहें हकीकत बाहर लाने के लिए वीडियो बना डाला। जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उनका आरोप है कि विदिशा के सिविल सर्जन डॉक्टर शिरीष रघुवंशी के सरकारी बंगले पर सीधे सरकारी अस्पताल से उनके प्यारे डॉगी के लिए मरीजों का दूध और रोटी पहुंच रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा जिला अस्पताल के पास। यहाँ पर देख सकते किस तरीके से जो मामला सामने निकल के आया था, जिला अस्पताल से लगा हुआ है, यहाँ पर जो है सरकारी निवास देखा जा रहा है। यहाँ पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिरीष रघुवंशी जी का ये निवास है, जिस पर ये पूरा मामला सामने आया कि जिस तरीके से यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल में दी जाने वाला यहाँ पर जो खाना है वो उनको यहाँ पर कुत्ते को यहाँ पर खिलाया जा रहा था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने निकल के आया था। इल्जाम है कि 25 रोटियां और दूध की थैलियां डॉक्टर साहब के बंगले पर जाती हैं। कुत्ते की किस्मत पर तो ये लोग रश्क खा रहे हैं कि देखिए साहब कुत्ता कितना किस्मत वाला है और मरीज उसका तो छोड़ ही दीजिए। लोग सवाल कर रहे हैं आखिर सरकारी खाने पर कुत्ते का हक क्यों है। आज हमने वहाँ जाकर के पकड़ा तो जो सिविल सर्जन का कर्मचारी है वो वहाँ पे भाग गया और हमने दोनों लोगों को पकड़ा। वहाँ पर 25 रोटियाँ थी जो हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे और दूध जो कुत्तों को पिलाया जाता है। तो दुर्भाग्य की बात देखिए, हमारा कुत्ता कितना भागफाली और हमारे विदिशा क्षेत्र के मरीज कितने दुर्भाग्यफाली है कि उनके हिस्से का जो दूध और रोटी है वो कुत्तों को यहाँ का सिविल सर्जन खिला रहा है। आज इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है और अभी चूँकि विदिशा विधायक मुकेश टंडन जी भी आज निरीक्षण कर रहे थे, उनको भी हमने इस चीज़ से अवगत कराया। उन्मूलन समिति ने वीडियो बनाया और हक में डाके के इस वीडियो के बारे में
बीजेपी विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये अगर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अगर इस प्रकार से लापरवाही के साथ अगर करता है तो उसको भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, ये भी मैं बात करूँ। डॉगी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन सरकारी खाना डॉगी पर क्यों लुटाना? डॉगी को दुलार और मरीज बेचारे लाचार, इन इल्जामों का सच क्या है? रायसेन से दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से 55,000 रुपए का मोबाइल फोन ऑर्डर किया, लेकिन जब उसका पार्सल घर पहुंचा तो उसके होश फाख्ता हो गए। पार्सल के अंदर चाय पीने वाले कप का सेट निकल आया। ऑनलाइन ऑर्डर में गड़बड़, फोन मंगाया निकले कप। मुंबई में रहने वाले एक शख्स ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक महंगा फोन ऑर्डर किया। शख्स का दावा है कि उसने ऐप पर 13 जुलाई को फोन ऑर्डर किया था। फोन की कीमत 54,999 रुपए थी। दो दिन बाद डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर उन्हें दे गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्सल को खोला उनकी आंख फटी की फटी रह गई। पेशे से डिप्टी इंजीनियर अमर चौहान का दावा है कि पार्सल के अंदर फोन था ही नहीं। इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो डिलीवरी किए गए सामान को दिखा रहे हैं। उसमें से 6 कप का एक सेट निकला। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक डिलीवरी बॉय 15 जुलाई को सामान देने पहुंचता है। वो सोसाइटी के बाहर स्कूटी से पहुंचा, स्कूटी को साइड में खड़ा कर दिया। वो पार्सल देने अमर के घर चला गया। उनके परिवार ने पार्सल ले लिया, जिसके बाद डिलीवरी बॉय लौट आया, लेकिन दावा है कि बाद में जब डिलीवरी बॉक्स का टेप हटाया गया तो बॉक्स के अंदर से कप मिले। उन्होंने इस गड़बड़ी की शिकायत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और विक्रेता फर्म से भी की, लेकिन वहां से भी उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका आरोप है कि सामान बदलना तो दूर, उनकी समस्या को ढंग से नहीं सुना गया। इसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक अमर चौहान की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी एक केस सामने आया था, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर ऑर्डर देने के बाद बॉक्स में सांप निकला था। ये घटना जून में सामने आई थी। बेंगलुरु की एक महिला ने एक्स बॉक्स कंट्रोलर ऑर्डर किया था, लेकिन महिला ने दावा किया था कि उसके अंदर कोबरा पेट के साथ चिपका हुआ था। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का दौर है तो लोग अपने वक्त को बचाने के लिए फोन से ही काम करते हैं। दुकानों में पेमेंट करना हो, बिजली बिल हो या स्कूल फीस पेमेंट करने के लिए फोन का चलन बढ़ गया है। इंटरनेट पर तमाम ऐप हैं जिनसे सामान ऑर्डर किया जाता है। हाल ही के दिनों में धोखाधड़ी के भी लगातार मामले सामने आए हैं, जो बेहद ही चिंता बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश।